लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुबारक हो मिस्टर राय, हमें बहुत खुशी हुई इस साल भी आप चुने। थैंक यू, ये तो आप लोगों का प्यार है, वरना मैं किस काबिल हूँ। मिस्टर बलवंत राय, आपसे कुछ बात करनी है। तीसरी बार चुनी से मिल लो। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ तो क्या कह रहे तुम? हाँ बिल्कुल, अपने कल ऑफिस आ जाना। कल नहीं, अभी। एक्सक्यूज मी। अच्छा, इस तरह पार्टी में आकर मेरा भाई कहाँ है? वो आया नहीं अभी तक। मैंने तो मोहल्ले से कहा था कि कमिश्नर से। इससे पहले कि मैं इन शरीफ लोगों के बीच तुम्हारा तमाशा बना दूं, शराफत से बता दो मेरा भाई कहां है। बेटर, हनीफ को भेजना। देखो अजय, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तुम्हारी ऊंची शख्सियत और शरीफाना लिबास के पीछे छुपे शैतान को मैं पहचान चुका हूं। नहीं अजय, तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं। जो जिंदगी मुझसे टकराती है वो सिसक सिसक कर दम तोड़ती है। ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना बलवंत राय। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तेरा वो हशर करूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। और तेरे ये पालतू कुत्ते जिन्हें देखकर तूने भौंकना शुरू किया है, ये उस वक्त तेरे आसपास भी नजर नहीं आएंगे। यू छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बलवंत राय, अगर कल सुबह तक मेरा भाई वापस नहीं आया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ले जाओ इस गुंडे को। सॉरी जेंटलमैन, आई एम सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। क्या हो रहा है सब? कौन थे वो लोग? थे उसी कमीने के कुत्ते। क्या लगता है कमिश्नर साहब है? कमीज से बात कर साहब, यहाँ के पुलिस कमिश्नर है। क्या बात है? मेरा नाम अजय है सर। एक महीने से मेरा भाई लापता है। मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई मगर कुछ हुआ नहीं। और जब मैंने खुद उस आदमी का पता लगाया जिसने मेरे भाई को किडनैप कर रखा है, तब भी पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं। अब आप ही बताइए सर, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कौन है वो, क्या नाम है उसका? बलवंत राय, ये भी उसी के आदमी थे। देखो तुम्हें बहुत चोट लगी है, किसी दवाखाने में जाकर। घाव मेरी जान नहीं लेंगे सर, आप ये बताइए कि आप मेरी मदद करेंगे ना? मैं कल ही एसीपी भोंसले से बात करूंगा कि वो इस मामले की पूरी जांच करें। जांच करेंगे? ये जांच और कार्रवाई का नाटक पिछले एक महीने से देख रहा हूँ। वहां मेरे भाई की जान खतरे में है, कभी कुछ भी हो सकता है, और आप कहते हैं जांच करेंगे? Come on, Commissioner, this is your job, Commissioner. Look, Mister, पुलिस के अपने कायदे और तौर तरीके होते हैं। हम किसी सबूत के बिना किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। चलो ड्राइवर, फिर भी तुम कल एसीपी भोसले से मिल लेना। अब ये शहर रहने के लायक रहा नहीं। तुम्हारे भैया के आते ही हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे जहां शांति हो। मेरी आज भी गुप्ता अंकल से बात हुई, वो कमिश्नर सब से मिले थे। उन्होंने कहा तुम्हारे भैया जल्दी आ जाएंगे और कह रहे थे तुम ज्यादा परेशान ना हो। तो क्या करूं मैं? हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाऊं?
किसी का क्या गया है? भाई मेरा खोया है, मेरा। कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा कोई। अंधे बहरों का शहर है ये, पत्थर है ये सब के सब। या तो बस सर फोड़ा जा सकता है। एक महीने से पागलों की तरह घूम रहा हूं मैं, पागलों की तरह। क्या पता वो है भी या नहीं। अजय, सर अशोक मेहरा ने जो कागज छुपा के रखा था वो अपन को मिल गया है। बोलो तो सारे को अंडरग्राउंड कर दूं। मैं तुम्हारे जोश की तारीफ करता हूँ। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेंट्रल पार्क में तुम अभी अपने भाई से मिल सकते हो। बहुत जोश है ना तुम में? अब वही जोश तुम अपने भाई तक पहुंचने में दिखाओ। किसी ने भी आराम आराम अजय अजय Ha 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 ha!
भैया को मार दिया अंकल, भैया को मार दिया। पर तुम बोल कहां से रहे हो? सेंटर पार्क के टेलीफोन बूथ से अंकल, अंकल उन्होंने भैया को मारकर फेंक दिया। मैं क्या करूं अंकल, मैं क्या करूं? हेलो, हेलो, तुम घबराना नहीं अजय। जल्दी आओ अंकल। हाँ, मैं आ रहा हूँ। अंकल जल्दी आओ। अजय मैं आ रहा हूँ। वहीं पर रुके रहो। हाँ संभालो इंदु। अजय, अजय को क्यों रिस्की?